नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भदनपुर ग्राम पंचायत, जहां पूर्व विवादित सचिव सावित्री सोनी की ग्रामीणों से जनहित कार्यों को करने के बदले घूसखोरी, निर्माण कार्यों की राशि हड़पने एवं राजनीतिक संरक्षण के बलबूते पंचों की खरीद फरोख्त करके प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश करने के चलते पिछले 2 वर्षों से पंचायत का विकास कार्य रोककर पंचायत को गर्त में धकेलने का कार्य किया था। भदनपुर के दलगत राजनीति के सामने प्रधान सुमन सिंह गौर ने हिम्मत नहीं हारी और साहस और ईमानदारी के दम पर सचिव के भ्रष्टाचार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर एसडीएम कार्यालय के सामने बैठी और भ्रष्टाचारी सचिव को हटवाकर नए सचिव संजय सिंह परिहार को लेकर आई। पारदर्शिता और कुशल कार्य क्षमता के अनुरूप सचिव संजय सिंह ने प्रधान सुमन सिंह को निराश नहीं किया और आते ही अपने बेहतर कार्यशैली से मात्र 3 महीनों के अंदर ही 60 लाख रुपए के सामुदायिक और हितग्राही मूलक कार्य कराकर पूरे जनपद पंचायत मेहर में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया, जिसमें बाउंड्री वॉल निर्माण, आंगनबाड़ी, सोक पिट, सीसी रोड निर्माण, किचन शेड, चबूतरा निर्माण, कपिलधारा, खेत तालाब, मेड़ बंधान जैसी जनहित योजनाएं शामिल है। तो वही दूसरी तरफ पिछले 5 साल में भटक रहे बीपीएल, वृद्धा, निःशक्त और मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन में कई लोगों को लाभ दिलाने का कार्य किया। आलम यह है कि सचिव श्री संजय सिंह परिहार ग्रामीणों के हर समस्याओं को सोमवार और गुरुवार के दिन अपने प्रधान श्री सुमन सिंह, प्रधान के सलाहकार श्री पवन उर्मलिया, रोजगार सहायक उत्तम सिंह, महात्मा गांधी सेवा केंद्र की संचालिका ममता जायसवाल और हल्का पटवारी सुश्री निर्मला प्रजापति के साथ बैठकर सभी कार्य पूर्ण करते हैं।